हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस काल्क में डेटेड फंक्शन का उपयोग कैसे करते हैं और किस लिए किया जाता है। तो चलिए, इसके लिए हमने एक डाटा बना के रखा है, उसी पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखो, मैंने हेडिंग दिया है डेटेड फंक्शन और उसके नीचे दिया हमने न्यू डेट एंड ओल्ड डेट कैलकुलेट। मीन्स डेटेड फंक्शन का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमें डेट से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करना है, अब चाहे वो न्यू डेट हो चाहे ओल्ड डेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहता है कि लिब्रे ऑफिस काल्क में अगर प्रेजेंट डेट निकालना हो तो किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, और ये ट्रिपल सी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन्स समझो, इसको क्वेश्चन के दृष्टि से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रेजेंट डेट और आज का डेट क्या है यह निकालने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है? तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और वो भी एक्सेल पे या काल्क पे काम कर रहे हो, तो अगर आप डेट निकालना चाहते हो और आज का ही डेट निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या इक्वल टुडे, इक्वल टुडे, और इक्वल टुडे करने बाद मैंने कर दिया ब्रैकेट को ओपन। अब देखिए, फिर से करेंगे ब्रैकेट को बंद, इक्वल टुडे, ब्रैकेट को ओपन और ब्रैकेट को बंद। अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे, देखिए आज का डेट निकल के आ गया 8/13/2022। क्लियर है? मीन्स अगर कोई पूछे आज का डेट निकालना हो, प्रेजेंट डेट निकालना हो, तो किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्या जवाब देंगे? इक्वल टुडे। मतलब आप लोग ज्यादा नॉर्मल दबा दो क्या, टुडे, इक्वल टुडे मत बताना, मतलब टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रेकेट ओपन, ब्रेकेट बंद, इंटर दबा के निकल गया। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। और अगला है डेट एंड टाइम, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर लिब्रे ऑफिस काल्क में डेट एंड टाइम कैलकुलेट करना हो तो किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मतलब डेट और टाइम दोनों एक साथ कैलकुलेट करना हो, तो डेट और टाइम दोनों एक साथ कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए सिंपल सा है, आप करोगे इक्वल और नाउ। क्या इक्वल नाउ और ब्रैकेट को कर देंगे ओपन और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। जैसे हम किए इक्वल नाउ, ब्रैकेट को ओपन, ब्रैकेट को बंद, इंटर बटन दबाएंगे, निकल के चला आएगा। देखो डेट और टाइम दोनों साथ। क्लियर है? तो हमने डेट भी निकाल दिया और हमने डेट एंड टाइम भी निकाल दिया। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे डेट के लिए तो क्या फॉर्मूला बताओगे, टुडे, और डेट एंड टाइम के लिए नाउ। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, नहीं तो बड़ी हमको शॉर्टकट की के सहारे करना हो तो कैसे करेंगे। तो अगर कोई पूछता है डेट के लिए क्या शॉर्टकट की होता है और टाइम के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, तो अगर कोई पूछे डेट के लिए शॉर्टकट की, तो आप कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन दबाओगे, डेट इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अगर डेट निकालना हो तो देखो बता दिया 8/13/2022। मीन्स अगर आज का डेट निकालना है तो इसके लिए शॉर्टकट ये कंट्रोल प्लस से निकाल, अगर टाइम निकालना हो तो दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, यहाँ पे टाइम भी निकल के आ जाएगा, टाइम क्या होगा। ठीक है, तो डेट भी निकाल सकते हैं और हम टाइम निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डेट निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है और टाइम निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। जब डेट निकालने की बात करें तो वहां पे बता देंगे, क्या जवाब देंगे, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और टाइम की बात करें तो वहां बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। ओके, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तब हमने डेट भी निकाला, डेट इन टाइम भी निकाला, डे और टाइम दोनों निकाला। अब हमको निकालना है डे, मंथ और ईयर। सपोज अगर मान लीजिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई पार्टिकुलर हम डेट लिख दे रहे हैं और उस डेट के हिसाब से बताइए कि उस दिन कौन सा दिन था, उस डेट को कौन सा दिन था। मीन्स संडे, सैटरडे,
फ्राइडे, मतलब जो भी हम अगर डेट लिख देंगे उस डेट के हिसाब से कुछ डे ज्ञात करना। अब चाहे फ्यूचर वाला, चाहे पास्ट वाला, या चाहे प्रेजेंट वाला, मीन्स अगर किसी पार्टिकुलर डेट को लिखने के बाद अगर उसका डे ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है टेक्स्ट फॉर्मूले का। किसका? टेक्स्ट फॉर्मूले का। सपोज हमको यह चेक करना है, क्या 1947 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था और हाल ही में 15 अगस्त आने वाला था। तो अगर चेक करना चाहते हैं, इस समय तुमको पता है कि मंडे को है, लेकिन 1947 को क्या था हमको नहीं पता है। अगर यह ज्ञात करना है तो सिंपल तरीका है, आप देखिए फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन, और पहले पूछा जाएगा नंबर, तो नंबर में हम वह डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो पहले आज के डेट के हिसाब से देखना है, तो हमने डेट सेलेक्ट कर लिया, कर दिया काम। कर फार में तो करेंगे डबल बड़े काम और लिखेंगे डी 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 4D, और डबल बड़े काम क्लोज और ब्रेकेट कर देंगे बंद और इंटर। यहाँ पे देखिए निकल के आ गया, आज क्या है? सैटरडे। क्लियर है? अगर हम चेक करना चाहते हैं क्या 15 अगस्त 1947, तो तुरंत बताएगा फ्राइडे था, क्या था? शुक्रवार था। और इस साल का चेक करना है तो बस हम लिख देते हैं 2022 मंडे। तो अगर कोई पार्टिकुलर डेट लिखते हैं, अगर हमको डे पता करना हो, ठीक है, अब चाहे पास्ट वाला पता करना हो, चाहे फ्यूचर वाला पता करना हो, या प्रेजेंट वाला पता करना हो, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके पता कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है। ए बाबू विद्या नहीं पढ़ना है? पढ़ना है तो मन से पढ़ लो, आने चले जाओ उस क्लास में। पढ़ लिए तो कह दो सर नहीं पढ़ाएंगे, छुट्टी कर दे रहे हैं आज, जब तक एक्सेल कल पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं, तो देखो मैंने डे निकाल दिया, और वैसे हमें मंथ निकालना है, तो करेंगे क्या? इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन नंबर, वही डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कामा डबल बड़े कामा, क्या निकालना है? मंथ 4M डबल बड़े कामा ब्रैकेट बंद इंटर, बता दिया अगस्त। बोलिए ईयर निकालना है, तो इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन नंबर डेट सेलेक्ट कामा डबल वर्ड कामा 4Y डबल वर्ड का वन ब्रैकेट वन इंटर, यहाँ पे ईयर निकल के आ गया। हमने डे निकाल दिया, हमने मंथ निकाल दिया, और हमने ईयर निकाल दिया। यह तो हमारा यह था मंथ डे और कैसे निकालेंगे, लेकिन रहा सवाल कि यहाँ पे हमने हेडिंग दिया डे मंथ ईयर, मीन्स अगर दो डेटों के बीच हमको कैलकुलेशन करना हो कि इसके बीच अंतर क्या है। फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में कितने डे का डिफरेंस है, कितने मंथ का है, या कितने ईयर का है, या 2001 1 जनवरी 2001 और आज के डेट के बीच में डिफरेंस क्या है। लो डे कितना हो गया, मंथ कितना हो गया, और ईयर कितना हो गया। तो वहां पे ऐसा कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए हमें काल्क में डेटेड इफ फंक्शन का उपयोग करना होगा। किसका? डेटेड इफ फंक्शन का उपयोग करना होता है। अब कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आसानी तरीके से हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले हमको करना होगा इक्वल और लिखेंगे डेटेड, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको साइज जो है इसको बड़ा करते हैं, इक्वल डेटेड इफ ब्रेकेट ओपन इक्वल
डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, और डेटेड इफ के बाद से यहाँ पे देखो पूछा जाता है स्टार्ट डेट, और उसके बाद से इंड डेट, और उसके बाद से पूछा जाता है कि निकालना क्या इंटरवल, ठीक है, डे निकालना है, मंथ निकालना है या ईयर निकालना। चलिए सबसे पहले मैं एक डेट लिख देते हैं कोई, और डेट लिखने के लिए मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और लिख देता हूँ 1/1/2000। ठीक है, हो गया हमारे वाह ठीक है। अब हमको क्या करना, डे निकालना है, इसके लिए करेंगे इक्वल डेटेड इन ब्रैकेट ओपन करा स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट का मतलब क्या है कि वह डेट बताइए जब स्टार्टिंग हुआ था, तो सपोज डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001, तो सेलेक्ट कर लेंगे काम। इंड डेट, वह डेट बताइए जिस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना हो, तो सपोज आज का डेट हमको लेना है, या तो 8 का डेट लेना है तो ले लेंगे 13 अगस्त काम। और उसके बाद से डबल वाले काम और लिखेंगे क्या 1D, और ब्रेकेट कर देंगे, नहीं डबल वाले काम कर देंगे क्लोज, और तब ब्रेकेट कर देंगे यहां से बंद। उसके बाद से कर देंगे इंटर। देखो टोटल बता दिया कि इस डेट और इस डेट के बीच में जो अंतर है वह क्या है, वह है 7894। मतलब अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001, तो पता किया जा सकता है वो कितने दिन का हो चुका है, कितने दिन का हो चुका है, 7894 दिन का हो चुका है। अगर यह चेक करना कितने मंथ का हो चुका है, तो करेंगे इक्वल और इक्वल लिखेंगे डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से डेट सेलेक्ट करेंगे कामा, उसके बाद इंड डेट कामा डबल वाले कामा, उसके बाद AKM डबल वाले कामा, ब्रैकेट को कर देंगे बंद इंटर। तो बता दिया 259 मंथ का हो चुका है, और ईयर ज्ञात करना है, करेंगे इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट डेट ऑफ बर्थ कामा डेट कामा इनवर्टेड कामा, और उसके बाद कर देंगे क्या वाई डबल वाले कामा, और ब्रैकेट कर देंगे बंद इंटर। निकल के बता दिया 21 में हमने डेट के हिसाब से डे कैलकुलेट कर लिया, मंथ कैलकुलेट कर लिया, और ईयर कैलकुलेट कर लिया। अगर ऐसा हमको पता करना है तो हम आसानी तरीके से हम यह पता कर सकते हैं कि किसी डेट के बीच अंतर क्या है, कितने दिन का है, कितने मंथ का है, और कितने ईयर का। अब देखो अगर बाद में अगर हम डेट चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 2/2/2002 इंटर, निकल के आ गया 7497/246 20। क्लियर है, तो आप आसानी तरीके से यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। लिख लो इस फॉर्मूले को, यार क्यों